आबकारी विभाग की टीम ने शराब की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। इसके साथ ही टीम ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग की यह कार्रवाई उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में हुई, जहां आबकारी विभाग की टीम ने अवैध रूप से चल रही शराब की दुकानों पर धावा बोल दिया और वहां से 80 लीटर कच्ची शराब, 2 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ ही 2 पेटी बियर और देसी शराब पकड़ी। इसी के साथ टीम ने 6 लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खटीमा में जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर श्री अशोक मिश्रा जी द्वारा जो आदेश दिए गए थे छापामारी के लिए, उसमें आज हमारे द्वारा छापामारी की गई। इसमें खटीमा क्षेत्र और पर्यटन टीम रुद्रपुर साथ मिलकर कार्रवाई की, जिसमें चक्करपुर, आलावटी, कुटरा, सहजना, निगराबाद, भोर आदि क्षेत्रों में तबीज दी गई। कुल 6 लोग पकड़े गए, जिसमें कुछ देसी शराब है, बियर है, अंग्रेजी शराब है, कच्ची शराब है। और इसमें जो अभियुक्त हैं हरीश कुमार मेहर, करम सिंह, परमिंदर सिंह, मोहन सिंह, गोविंद सिंह और हरीश लल्ला, ये लोग पकड़े गए, जिसमें 4 अभियोग हमारे द्वारा दर्ज किए गए, 2 अभियोग प्रवर्तकों द्वारा दर्ज किए गए। आगे भी हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।